great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la. Everyone and welcome to our channel Desi Couple on the Go. और मैं हूँ मेघा, जैसे अब तो आप लोग सब जानते ही होंगे. और सौरभ है कैमरा के पीछे. और आ रही है बहुत ज़्यादा धूप. और वह धूप इसलिए आ रही है क्योंकि आज है सनी डे. नेदरलैंड्स में बहुत ही कम ऐसे सनी डेज होते हैं और इस साल तो और भी कम हो रहे हैं. अगर आप हमारे लास्ट के कुछ वीडियोस देख रहे होंगे तो वो वीडियोस हम घर पे बैठ के बना रहे थे. कितना सन है तो घर पे बैठ के बना रहे थे. और आज है सनी डे और तो सोचा क्यों नहीं बाहर जाएं. वैसे जैसे ही सन आता है ना नेदरलैंड्स में सब लोग बाहर आ जाते हैं. तो बाहर जाएंगे, आपको दिखाएंगे, एक थोड़ा छांव में खड़े हो जाते हैं. हाँ, तो आपको दिखाएंगे एक सिटी जो कि बहुत सुंदर सिटी है, यूट्रेक्ट उसका नाम है. और अपने फ्रेंड्स से भी मिलने जाएंगे. और वो फ्रेंड्स कौन है बताइएगा, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं वो हमारे फ्रेंड्स. अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पहले ही लिख के बता दीजिएगा कि वो हमारे फ्रेंड्स कौन है. तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम दिखाएंगे आपको ब्यूटीफुल सी सिटी यूट्रेक्ट, जो कि बहुत सुंदर सिटी है नेदरलैंड्स की. लोग क्या कर रहे हैं बाहर जब सन आ गया है. कोरोना थोड़ा कम हो गया है, काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं. यहाँ का जो लॉकडाउन है वो भी काफ़ी रिलैक्स हो गया है. तो वो सब भी दिखाएंगे. तो चलिए हमारे साथ और देखिए कि ये सिटी कैसी है. नाउ लेट्स गो. पहुंच गए हम लोग यूट्रेक्ट सिटी. और एक्चुअली मैं अभी निकाल सकते हैं क्योंकि ओपन स्पेस में नेदरलैंड्स में मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है. और खड़े हैं हम लोग हुक कैथराइन द मॉल के सामने. बट ये मॉल इतना इंटरेस्टिंग नहीं है. इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो है लोग. इतने सारे लोग दिखेंगे आपको बहुत दिनों बाद. सो सी देम. ट्रैफिक सिग्नल पे ध्यान दिया, कितना कूल है यहाँ का ट्रैफिक सिग्नल. जब यहाँ पे रेड या ग्रीन होता है तो साथ में इंसान नहीं दिख रहा है उसके अंदर, या सिर्फ गोला सर्कल नहीं दिख रहा है, रैबिट दिख रहा है. जस्ट लुक एट इट, ग्रीन रैबिट, रेड रैबिट. यहाँ का जो जेब्रा क्रॉसिंग है वो कितना कूल है, क्योंकि वो जेब्रा कलर्स का नहीं है, पूरे रेनबो कलर्स का है. जस्ट लुक एट इट. Thank you.
आप नेदरलैंड्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है एम्स्टरडैम और एम्स्टरडैम की कैनाल्स। पर जो कैनाल्स हैं वो पूरे नेदरलैंड्स में हैं और यूट्रेक्ट में भी हैं, और इतनी ब्यूटीफुल कैनाल्स हैं जैसे कि एक ये। और कैनाल्स के दोनों तरफ हैं रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे टेरेस बोलते हैं, अगर आउट बाहर टेबल लगी रहती है उसको टेरेस बोलते हैं, तो दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स भी हैं। इतना हैपनिंग लग रहा है ना इतने दिनों बाद ऐसे बाहर आके। एक तो बहुत बारिश हो रहा था प्लस लॉकडाउन था, और नेदरलैंड गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलैक्स कर दिया है, तो ये जो रेस्टोरेंट्स हैं इसमें आप अंदर नहीं बैठ सकते बट बाहर बैठ सकते हैं, जैसे मैं बता ही रही थी टेरेस बोलते हैं, तो वहाँ बैठ सकते हैं। और इतना हैपनिंग लग रहा है, लोगों को देख के बहुत मज़ा आ रही है मुझे। सो यहाँ इस ब्रिज पे खड़े होके व्हाट आई एम डूइंग इज पीपल वॉचिंग। आपको अच्छा लगता है पीपल वॉच करना, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस खड़े हो और लोगों को ऑब्जर्व करते रहो। एम्स्टरडैम फेमस है साइकिल्स के लिए, वैसे यूट्रेक में भी सब जगह साइकिल है और बहुत सारे लोग साइकिल चला भी रहे हैं। एक मज़ेदार साइकिल दिखाते हैं, ये वाली जो ये है साइकिल, ऑरेंज कलर की साइकिल। तो जैसे इंडिया में नहीं होती है जोमेटो और इन सब की डिलीवरी, वैसे ये हाउस बेजॉर्ग की डिलीवरी है जो घर पर आपको खाना डिलीवर करती है। और नेदरलैंड्स तो फेमस है ही अपनी साइकिल के लिए, तो लोग साइकिल से घर पर खाना भी डिलीवर करते हैं। ऐसी एक और ये साइकिल है हाउस बेजॉर्ग की, ऑरेंज कलर। हिस्टोरिक और पुरानी बिल्डिंग के जस्ट पीछे एक बिल्डिंग बन रही है बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड, 40 फ्लोर्स की वो बिल्डिंग है, उस पर लगा हुआ है कि वो पूरे स्टिकर्स के साथ 40 फ्लोर्स की। आज है समर डे और आए हैं यूट्रेक्ट, और कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं। बस थोड़ा दूर दूर चल रहे हैं, और रेस्टोरेंट्स तो देख ही लिया आपने कितने भरे हुए हैं। मन तो बहुत है हम दोनों का कि यहाँ पे बैठ के खा लें। इधर स्पैनिश रेस्टोरेंट है और मुझे तपास बहुत अच्छे लगते हैं, बट जाना है अपने फ्रेंड के घर, तो पैक करके खाना लेके जाएंगे और इंडियन खाना पैक करके लेके जाएंगे, बट उसके लिए अभी टाइम है। बट आपने देखा पीछे आइसक्रीम, समर डे और आइसक्रीम, तो पहले आइसक्रीम तो खा ही लेते हैं, लेट्स गो। गए उस शॉप पे और सॉफ्टी नहीं थी, क्योंकि मुझे सॉफ्टी खानी थी और आइसक्रीम नहीं खानी थी, बट सॉफ्टी खानी थी, बट सॉफ्टी उस शॉप पे है ही नहीं, तो आगे चलते हैं, कुछ और मिलेगा तो वो खाएंगे। आइसक्रीम तो खा नहीं रहे क्योंकि आइसक्रीम नहीं खानी थी, सॉफ्टी खानी थी, बट खाना तो खाएंगे। और हमारे फ्रेंड्स को इंडियन खाना खाना है तो इंडियन खाना लेके जाएंगे, और इंडिया पोर्ट करके रेस्टोरेंट है यहाँ पे, हमें दिखा है, हम वहाँ जाएंगे और इंडियन खाना ऑर्डर करके घर लेके चलेंगे। दो दो रेस्टोरेंट मिल गए, दो दो इंडियन रेस्टोरेंट, वो है इंडिया पोर्ट और सामने है हमारे गांधी रेस्टोरेंट। हेलो मैन सर। तो सामने है गांधी रेस्टोरेंट, तो अब दो चॉइस है, गांधी या इंडिया पोर्ट। लेट्स थिंक एंड ऑर्डर अ फूड। आज का जो दिन है ना बहुत ही, तो दिन बहुत अच्छा है पर शायद खाने के मामले में ना कुछ खास नहीं जा रहा है, क्योंकि पहले आइसक्रीम नहीं मिला, मतलब जो फ्लेवर का चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, फिर दो दो इंडियन रेस्टोरेंट्स होने के बावजूद वहाँ से हम खाना नहीं ऑर्डर कर सकते क्योंकि बहुत भीड़ है और वहाँ खड़ा रहना ही बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो फिर ऑर्डर करेंगे फिर खड़े रहेंगे। तो अब एक और थर्ड रेस्टोरेंट है जो हमारे दोस्त ने हमें बताया है, कृष्णा विलास,
तो अब ट्राई कर रहे हैं, वो 1 किलोमीटर है जहाँ से हम खड़े, तो वहाँ जाएंगे और देखते हैं अगर वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं कि नहीं. लेट्स ट्राई दैट. हम आ गए हैं एक टनल के अंदर और इस टनल पे पूरा ग्राफिटी बना हुआ है और लाइट्स हो रहे हैं, तो उससे वो पूरा इफेक्ट कितना अच्छा आ रहा है. अमेजिंग इट इज. सो इसके अंदर लाइट्स चेंज हो रहा है और लाइट्स चेंज के कारण ही जो ग्राफिटी है चेंजिंग इट्स कलर्स एज वेल. सी दिस, it becomes green, it becomes red, the heart becomes yellow. You see it? See how it's changing? See, now it's blue. चर्च का बेल बज रहा था और अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम कितना हो गया है, तो 8 o'clock हो गया है इवनिंग का और समर्स में सनसेट होता है अराउंड 10 o'clock, तो इसलिए है अभी भी डे लाइट. तो जो रेस्टोरेंट जा रहे हैं कृष्णा विलास, वो बहुत दूर है, वॉक कर करके थक गए, बट अभी भी और वॉक करना है. इसी तरफ चलना है. कृष्ण विलास से खाना ले लिया है और फ्री में मिला है हमें एक डेजर्ट, वो बताएंगे वहां जाके. वैसे हम जा किसके घर रहे हैं? क्या आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया है कि नहीं किया है? अगर अभी तक गेस नहीं कर पाए हैं आप लोग, तो ये हमारे वो फ्रेंड कपल है जिसकी डिमांड आप लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं हमारे कमेंट सेक्शन में. तो अब तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा. लास्ट चांस बताइए हमें कि आपने गेस किया है कि नहीं किया है, वरना कुछ देर में आप लोग उनसे मिलने वाले हैं. सो लेट्स गो टू देयर होम. क्या हमें सरप्राइज मिला मेरा? हेलो हेलो हेलो. सो गाइस, फाइनली जय और प्रिया. कितना सब लोग बोल रहे थे, कहाँ है जय, कहाँ है प्रिया, हियर दे आर. Thank you.
नॉर्वे के स्टाइल में हम लोग साथ में डिनर कर रहे हैं और डिनर में क्या क्या है वो बताएगा जय। यस, एक बार मैं सर्व कर दूं फिर मैं बताता हूँ। सो आवर टेबल इज सेट। कृष्णा विलास से लिया है हम लोगों ने डोसा और भी चीजें ली बट अभी टेबल इज सेट। बट क्या क्या लिया है वो जय बताएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि खाना आ गया। फर्स्ट कोर्स में ऑलरेडी साउथ इंडियन है, बाद में हमारा नॉर्थ इंडियन है सर। तो पहला साउथ इंडियन में सांभर की इंडिया फ्लैग वाले चटनी, इसमें ये टमाटर की चटनी है, कोकोनट की चटनी है, ये पुदीने की होगी, रवा डोसा, मसाला डोसा। तो अभी हम जम के खाएंगे, पहले साउथ इंडियन उसके बाद नेक्स्ट कोर्स बताते हैं हम क्या खाने वाले हैं। डोसे के राउंड के बाद अभी हमारा सेकंड फेस क्या है इसमें? अब हमारा सेकंड फेस में प्रॉपर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दबा के हम लोग खा लिए। अब हमारा पनीर है, हमारा दाल है, हमारी तंदूर रोटी है और बाकी रोटियां और सब्जी ऐसे रखी हुई है। तो सेकंड राउंड हमारा सेकंड कोर्स चालू हो गया है। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। यस। और खाने में एंड में हम लोग खा रहे हैं ऑरेंज शीरा। टेस्टी है, हमें जो मिलता है वही टेस्टी लगता है। प्रॉब्लम ही है। मिल रहा है, बस जब मिलता है वही अच्छा है। इंडियन खाना मिला इंडियन टेस्टी है। इंडियन लाइफ इन यूरोप है। खाना खाते खाते बहुत देर हो गई है, ऑलमोस्ट 10:30 हो गया है। बट अभी हम लोग जय और प्रिया से आराम से बैठ के बात करेंगे। बट इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। और जय तो जाते टर्की की। यस, सो आपको ये वीडियो फॉर श्योर अच्छा लगेगा, दैट्स व्हाई आप इसे लाइक करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे शेयर करिए और मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।